हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम साहिल मलिक और ये मेरा चैनल है फिटनेस मलिक के नाम से। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें आपको फिटनेस से रिलेटेड सब चीज मिलेगी, डाइट, वेट लूज, वेट गेन, और मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, नई नई एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें आपको बॉडी पोस्चर पूरे पोजिशन अच्छे से बताऊंगा, टिप्स काफी सारी बताऊंगा, नई नई एक्सरसाइज, नए नए डाइट वगैरह प्रिपेयर करना, सब कुछ फिटनेस से रिलेटेड ए टू जेड बताऊंगा। तो मिलते हैं एक्सरसाइज के बीच में। ओके, तो गाइस अब हम करेंगे वार्म अप। याद रखना, किसी भी मसल को करने से पहले उसके वार्म अप बहुत जरूरी है, जिससे इंजरी ना हो और क्रैम्प वगैरह ना आए, ठीक है। और अब हम करेंगे वार्म अप। काफी लोग बहुत गलती करते हैं, काफी लोग ऐसे करते हैं पुशअप, मैं बताता हूँ ऐसे होता है। कोई ऐसे करता है, कोई करता है ऐसे, कोई करता है ऐसे, तो ये बहुत गलत पोजीशन है, ऐसे नहीं करना। अब मैं बताऊंगा कैसे करना है बिल्कुल कंफर्टेबल। तो मैंने तो अभी करे 50 पुशअप्स। अब आपकी कैपेसिटी, आप कितना करते हैं एक बार में, जितना ज्यादा पुशअप करोगे उतना बढ़िया है। ये थी पोजीशन बिल्कुल पुशअप्स की, तो ऐसे ही पुशअप्स करना है। ओके, मिलते हैं एक्सरसाइज के बीच में। तो हम करने जा रहे हैं बार डिप्स। काफी लोग बहुत गलती करते हैं इसमें, तो आज हम बताएंगे कैसे करते हैं। तो ये थी हमारी बार डिप्स की पोजीशन। याद रखना, ये हमारे शोल्डर, ट्राइसेप और चेस्ट पे आती है, तो इसीलिए बहुत सेफ्टी से करना, इंजरी बहुत जल्दी हो सकती है इससे, क्योंकि सारा लोड हमारे शोल्डर पर पड़ता है। सपोर्ट भी दे सकते हो वहाँ पर, इससे सपोर्ट भी दे सकते हो। तो हमारा हो चुका है वार्म अप, अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज के बीच में। हमारी हो चुकी है चेस्ट पूरी अच्छे से पंप। अब हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज फ्लैट बेंच, जिसमें अभी मैंने 10 केजी लगाया है, इसलिए मैंने लगाया है लाइट वेट, जिससे हम अभी थोड़ा बता रहा हूँ मैं पोजीशन वगैरह के लिए, तो इसलिए मैंने लाइट वेट रखा है, बाकी आप हैवी वेट करें। 15 अगर आप गेन कर रहे हैं, मसल गेन कर रहे हैं, तो 15, 12, 10 ये रैप रखें, और अगर आप लूज़ करना चाहते हैं वेट, तो 25, 20 रैप रखें, लाइट वेट। तो काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं फ्लैट बेंच करने में, तो मैं वो गलतियाँ बताऊँगा पहले। तो ये थी दो गलतियाँ, ये ज़्यादा लोग ज़्यादातर यही गलतियाँ करते हैं। अब हम करेंगे प्रॉपर पोजीशन में अच्छे से। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है, अब सेकंड एक्सरसाइज है हमारी डंबल बेंच प्रेस। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज, इसमें मैं थोड़ा सा यूनिक करूँगा, ज़्यादातर लोग नॉर्मली करते हैं पूरा फ्लैट पे लेटकर, बट मैं इसमें थोड़ा सा यूनिक बताऊँगा आपको। हमें करना है लोअर बॉडी पूरी डाउन रहेगी फ्लैट बेंच पे, बस खाली अपर रहेगा, ये लोअर बॉडी पूरी फ्लैट से आउट रहेगी फ्लैट बेंच पे, बेंच पे खाली अपर रहेगा। You can say
मैंने आपको थोड़ी सी यूनिक करके बताया है, इससे आपके चेस्ट पे और अच्छे से लोड पड़ेगा, पूरी फॉर्म में आएगी, तो ये जरूर ट्राई करें। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है चेस्ट फ्लाई, जो मिडिल चेस्ट पे आती है, ठीक है। करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज थोड़ी यूनिक करेंगे हमारे। पार्टनर की हेल्प चाहिए जिससे लोग अनलॉक कर सके। तो गाइस ये थी हमारी चार एक्सरसाइज चेस्ट की, आप भी जरूर ट्राई करें, बेस्ट एक्सरसाइज है। तो गाइस ये थी मेरा फर्स्ट ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी टिप के लिए फॉलो इंस्टाग्राम पे भी कर लेना, मेरा लिंक है उस पर, यूट्यूब पे, और मोज पे फॉलो करना ना भूले, मेरा मोज भी लिंक है उस पर। एंड गाइस कमेंट में जरूर बताना जो जो मेरे से मिस हुआ है या कुछ भी गलती हो उसे जरूर सुधारूंगा मैं, आप भी थोड़ी नॉलेज लो मुझसे भी लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।